नेताओं समेत तमाम दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया, लेकिन ये शोक सभा को कांग्रेसी नेताओं ने ही मजाक सभा में तब्दील कर दिया। दिल्ली में कांग्रेसियों के द्वारा आयोजित की गई शोक सभा में नेताओं की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़े से बड़े धुरंधर कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री अपनी बत्तीसियां ऐसे दिखा रहे थे मानो किसी बर्थडे पार्टी में आए हों। चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या फिर दिल्ली की ही एक और मंत्री किरण वालिया जी, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट तैर रही थी जैसे कोई दिल खुश कर देने वाला चुटकुला इनको सुना दिया गया हो। जहां एक तरफ पूरा देश सन्न है, वहीं कांग्रेस के आला नेताओं की हरकत बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह शहीद कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो आला नेता हैं, वो शहीदों की शहादत का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपको देखना चाहिए। बर्खास्त करो छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की आंच अब उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली घटना की आंच अभी थमती नहीं दिख रही है। घटना में बड़े कांग्रेसी नेताओं के मारे जाने के मामले में अब कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नक्सली हिंसा की आंच अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के मद्देनजर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, छत्तीसगढ़ सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी की। राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत करें जिसमें अपनी पीड़ा का उल्लेख हो और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग हो। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर है और वहां चुनाव भी मुहाने पर है। घटना भी सुरक्षा के चूक के कारण हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि जब कार्यक्रम पहले से ही घोषित था तो आखिरकार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया क्यों नहीं कराई गई? कांग्रेस ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को अपराध बोध हो गया है और इसी वजह से उसने अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर अधिकारियों पर नेताओं और माफियाओं के दबाव का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इससे आहत नजर आ रहा है। यहाँ तक कि भाजपा ने आज होने वाले अपने जेल भरो आंदोलन को भी स्थगित कर दिया है। मेरठ में बाकायदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसका ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले ने सबको एक मंच पर लाकर रख दिया है। बकायदा भाजपा ने इसे राष्ट्रीय संकट माना है और इस शोक में शामिल होते हुए आज होने वाले अपने राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन को भी स्थगित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस आंदोलन को स्थगित किए जाने का मेरठ में अपने आवास पर ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सबको एक साथ मिलकर समस्या को निपटाना चाहिए। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज अपने आवास पर समाचार प्लस से यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी जून महीने में अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रदेश कार्यालय को देंगे, जिसका सारांश बीजेपी के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। सोमवार की सुबह समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने मुलाकात की। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव की इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे अहम माना जा रहा है पिछली सरकार में झांसी में हुआ सिंचाई घोटाला। इसी घोटाले की जांच शिवपाल यादव ने शुक्रवार को करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री, जो मुख्यमंत्री के चचा भी हैं और यूपी में प्रशासन चलाने का खासा अनुभव रखते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को अफसरशाही से निपटने के कुछ गुर भी दिए। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के बाद ही कुछ सपाई नेताओं को लाल बत्ती यानी राज्य मंत्री के स्तर से नवाजा भी गया। वहीं कुछ अफसरशाही में खासे बदलाव के संकेत भी इस मुलाकात में साफ दिखाई दिए। इस मुलाकात का नतीजा अफसरशाही और सरकार पर क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन इस मुलाकात को लेकर पूरे दिन सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट बनी रही। बीएसपी नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात। मुलाकात के दौरान बीएसपी नेताओं ने इस मार्ग को पार्कों के व्यवसाय के इस्तेमाल का विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश में मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बने स्मारक और पार्क हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। इतना ही नहीं, इन पर सियासत भी खूब हुई है। भले ही मायावती की यूपी की सत्ता से बेदखल हो गई हो, लेकिन पार्कों और स्मारकों पर राजनीति का सिलसिला थमा नहीं है। अखिलेश सरकार ने स्मारकों और पार्कों के व्यवसाय के इस्तेमाल और शादी समारोह में इस्तेमाल की योजना बनाई तो बीएसपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
विरोध में बीएसपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। बहुजन समाज पार्टी नेताओं की दलील है कि अखिलेश सरकार का यह फैसला कानूनी तौर पर गलत है। हम लोग ज्ञापन देने गए थे और उस पे ये लिखा हम लोगों ने ज्ञापन में कि ये जो उनका निर्णय अगर उन्होंने लिया है या लेना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ आज आगरा में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। उनसे पीएम पद के लिए मोदी के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि मोदी एक देश के लोकप्रिय नेता हैं। आगरा में एक श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मीडिया द्वारा सांसद योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेट पर पूछे गए सवाल पर कहा, क्रिकेट अंडरवर्ल्ड का जुआ हो चुका है, इसे बंद होना चाहिए और क्रिकेट ने भारत के अन्य खेलों की हत्या की है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद पर पूछे गए सवाल पर कहा, नक्सलवाद अगर भारत की संविधान को नहीं मानता है तो भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, तो उसे सख्ती के साथ कुचलने की आवश्यकता है। सांसद योगी आदित्यनाथ ने मोदी के सवाल पर रटा रटाया बयान दोहरा दिया कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नेतृत्व करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं। सांसद योगी आदित्यनाथ से जब क्रिकेट के बारे में पूछा तो क्रिकेट को अंडरवर्ल्ड का जुआ बताया और कहा इसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए क्योंकि क्रिकेट ने अन्य खेलों की हत्या भी की है। गाजियाबाद कोर्ट ने अपने 5 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2009 का है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले आरोपी रविंद्र ने गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी थी। 7 जून 2009 की रात उसने अपनी बड़ी बेटी अंजलि, प्रीति, प्रियंका, बेटे देवराज और युवराज की सिलबट्टे और ट्रक की कमानी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था लेकिन पत्नी बच गई थी। कोर्ट ने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी रविंद्र वर्मा को फांसी की सजा सुनाई है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रविंद्र पेशे से ड्राइवर था और उसकी कुछ दिन पहले ही नौकरी छूटी थी। एटा जिले में NH91 पर फरुखाबाद से दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की यात्रियों से भरी बस हजारा नदी में गिर गई, जिसमें 21 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र में रविवार रात 11 बजे करीब NH91 पर फरुखाबाद से दिल्ली जा रही अलीगढ़ डिपो की बस पुल की रेलिंग तोड़ती हुई हजारा नहर में जा गिरी, जिसमें अभी तक 21 से अधिक यात्रियों की मौत हो चुकी है जबकि कई यात्रियों को घायल अवस्था में एटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ियां 80-90 थी और ओवरटेक करने के चक्कर में गई है सर, और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर नशे में था और बस को ओवरटेक करने के प्रयास में संतुलन खो बैठा और बस रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 70 से 80 यात्री सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में कई परिवार उजड़ गए और ड्राइवर के नशे और ओवरटेक करने के प्रयास ने कई लोगों को असमय नींद की नींद सुला दिया। सूबे की राजधानी में महिलाएं और युवतियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी वानगी उस समय देखने को मिली जब दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की को अगवा करके और सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मामला लखनऊ के आशियाना इलाके का है जहां पुलिस मामले को दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। जहां अपने घर से किसी काम को निकली इस नाबालिग लड़की को दो दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की अगर माने तो दिन के लगभग 2 बजे जब वो घर वापस जा रही थी उसी वक्त एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है और उससे एक पता पूछती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती इन दरिंदों ने उसको गाड़ी के अंदर खींच लिया और एक सुनसान जगह पे ले गए जहां उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। पीड़ित पक्ष ने थाने में अपना शिकायती पत्र दे दिया है जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। राजधानी में दिन दहाड़े हुई इस घटना ने जहां सूबे की महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं सूबे की कानून व्यवस्था का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। नो FIR, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। उत्तर प्रदेश में खाकी का रुआब सर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो हमीरपुर के सदर कोतवाल ने एक युवक को फिल्मी स्टाइल में उठाकर सब की बिना पर मंदिर के पास ले जाकर उसकी कर दी है सरेआम जमकर पिटाई। देश के मुखिया अखिलेश यादव चाहे जितना भी प्रयास कर ले फिर भी पुलिस अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है क्योंकि खाकी का रंग तो चढ़कर बोलता है। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक रतन कुमार श्रीवास्तव हमेशा ही मीटिंग कर सभी पुलिस कर्मियों को अपना व्यवहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं पर उनकी सेना उनके आदेश का पालन करती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते आज हमीरपुर के सदर कोतवाल प्रभारी आरके मिश्रा ने अपने तरीके से कल्पवृक्ष मंदिर के बाहर दीवार से चिपका कर एक युवक की जमकर की पिटाई। क्या यही है सदर कोतवाल के पूछताछ का तरीका?
जब कानून के रखवाले ही मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि समाज अपनी बात इनसे किस तरह कह सकता है। ये समाज के रक्षक हैं या भक्षक। वाराणसी के सम सुंदर लाल हॉस्पिटल में छठवीं मंजिल से 25 वर्षीय युवक ने कूदकर खुदकुशी कर ली। छपरा का निवासी अजय काफी दिनों से कैंसर की जैसी बीमारियों से झेल रहा था, तो उसने आज हॉस्पिटल की छठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की सूचना जैसे ही वाराणसी के लंका थाने पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं जांच में पुलिस ने पाया है कि युवक कैंसर से काफी पीड़ित था। युवक को गंभीर बीमारी कैंसर की थी जिसके वजह से युवक पल पल मर रहा था, इसीलिए छठी मंजिल से कूदकर युवक ने कर ली खुदकुशी। संत कबीर नगर में हवस की शिकार बनी एक महिला की मदद एक अधिवक्ता ने क्या कर दी, उल्टा पुलिस ने पीड़िता के वकील पर ही बलात्कार का आरोप लगवा दिया। मामला 24 तारीख का है जब बलात्कार की शिकार एक महिला की पैरवी के मिश्रा नाम के वकील ने की। अधिवक्ता की पैरवी करने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज सहित दो सिपाहियों का तबादला कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने एक दूसरी महिला से अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार के फर्जी मुकदमे की तहरीर दिलवा दी। इस पर अधिवक्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और गुस्साए वकीलों ने खलीलाबाद शहर का मुख्य मार्ग जाम कर तहसील गेट पर ताला जड़ दिया और करीब एक घंटे तक जाम लगा कर रखा। अधिवक्ताओं की मांग थी कि जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसे वापस लिया जाए और आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। एसडीएम ने कहा कि इस तरह की किसी भी तहरीर की पहले जांच की जाए, उसके बाद ही इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाएं। सहारनपुर में बाइक सवार सब इंस्पेक्टर को ट्रक ने कुचल दिया जिससे सब इंस्पेक्टर की मौके पर मौत हो गई। मामला सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र के संजय चौक का है जहां तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी जिसमें एक युवक की ट्रक के पहिए के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज सुबह अपनी बहन कलसी जा रहा था, रास्ते में ट्रक ने छोटी करवाती जिसकी मौके पर ही मृत्यु। मरने वाला युवक सुमित इलाहाबाद के फूलपुर थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था जो छुट्टियों में अपने गांव भोजपुर में आया हुआ था। फिलहाल ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़ के फरार हो गया है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो जाने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शंभूगंज इलाके में ट्रक से टक्कर के बाद बारातियों से भरी इस बोलेरो की हालत हादसे की कहानी बयां कर रही है। ये सभी लोग सुल्तानपुर जिले के चादा इलाके से जौनपुर के किराकत में बारात करने जा रहे थे तभी शंभूगंज के पास सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों को बेहद नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्सा थाना क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा सड़क हादसा नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले ही ट्रक और जीप की टक्कर में मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के सीएम विजय बावना टिहरी जनपद के घनसाली और नेटिरी में जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस महीने मई और जून में उनका प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जनता से मिलन का कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार भी करेंगे और अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी किया। जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घनसाली में सड़कों, पुलों और खेल के मैदानों और पॉलिटेक्निक की घोषणा के साथ ही घनसाली की नगर पंचायत बनाने की बात भी कही। उत्तराखंड की जनता प्रदेश में बढ़ती महंगाई से खासी परेशान है। सबसे बड़ी परेशानी खाद्यान्न जैसे जरूरी सामान के महंगा होने पर है। अब सरकार इसे आर्थिक बोझ घटाने का माध्यम मान रही है लेकिन लगता है कांग्रेस ने टिहरी उपचुनाव और निकाय चुनाव से सबक नहीं लिया है, इसलिए अब चीनी भी महंगी होने की तैयारी कर रही है। याद है आपको टिहरी चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने सिलेंडरों की सब्सिडी हटा दी थी और चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि 3 सब्सिडी के सिलेंडर राज्य सरकार देगी लेकिन वादा भूल गए और नतीजा कांग्रेस की इस चुनाव में करारी हार हुई। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में गेहूं का कोटा 3 किलो कम कर दिया जिसका खामियाजा कांग्रेस ने निकाय चुनाव में भुगता। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव और लोकसभा चुनाव भी होंगे लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने टिहरी और निकाय चुनाव में मिली हार से कुछ भी सबक लिया है।
इसलिए पहले प्रदेश के 20 लाख एपीएल उपभोक्ताओं को मिलने वाले चावल का कोटा कम कर दिया और उसे महंगा भी कर दिया। वहीं अब प्रदेश में चीनी भी महंगी मिलने जा रही है। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को चीनी का कोटा नहीं देने का फैसला किया है। अब राज्यों को खुद ही मिलों से मोल भाव कर चीनी का इंतजाम करना होगा और इससे संभावना यह बढ़ गई है कि सरकारी सस्ते गल्ले में जो भी चीनी अब